हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी एकेडमी रावलामंडी। दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर फिफ्थ, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस क्लास टेंथ। तो पिछले दो प्रीवियस वीडियोज में हमने एक तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस और उसके काइंड पढ़े थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू द व्यू, हमारे पास व्यू हैं जिसके थ्रू ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी देखो, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी से मीन है कि जो जिनकी थिंकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि लिबरल है, लिबरल थिंकिंग वाले या लिबरल थॉट होता है जिनका, उनको अपने लिबरल थिंकर कहते हैं। तो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी उन्हीं से ही बिलोंग करती है। तो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी जो है उनकी जो डेफिनेशंस है, जिसमें टी एच ग्रीन थे, जेस मील, अब्राहम लिंकन, मोंटेस्क्यू, देखो इन लोगों ने इनके डेफिनेशंस दी हैं। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी की इन लोगों ने डेफिनेशन दी है, जिसमें टी एच ग्रीन, जेस मिल, अब्राहम लिंकन और मोंटेस्क्यू जो है यानी कि मेन थे इस डेमोक्रेसी के लिए। तो इन्होंने इनके ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी की डेमोक्रेसी दी। देखो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या है इनके अकॉर्डिंग, कि ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी यानी कि किस पे डिपेंड करती है। देखो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी जो है वो एक प्रकार से डिपेंड करती है कि इसमें लिबर्टी मिलनी चाहिए लोगों को, यानी कि लिबर्टी मिले। तो इस ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के अंदर ये बोला गया कि सबसे पहले तो कि द मैन नोज What is right and what is wrong to him? Means एक person को यह पता है कि उसके लिए क्या right है, क्या उसके लिए wrong है। तो government is responsible to the people. टू द पीपल, देखो गवर्नमेंट जो होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पीपल, बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है उनको रिप्रेजेंटेटिव उनका एक पर्सन ही चुनता है, मतलब एक सिंगल पर्सन यानी कि जो होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हर वोट के अंदर। तो जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पीपल। अकॉर्डिंग टू द लिबरल थिंकर इनको ये लगता है कि ऐसा यानी कि रूल रेगुलेशन है वो होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो गवर्नमेंट है ऑलवेज ए ट्रस्टी टू द पीपल, लोगों के लिए ऑलवेज ट्रस्टी गवर्नमेंट होती है, बिकॉज अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो आफ्टर द 5 ईयर्स उनको वहाँ से एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑलवेज ट्रस्टी होती है, क्योंकि जो भी वो मैनिफेस्टो जारी करती है वो उनको वो कंप्लीट करती है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है उनको पता है कि उनको उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा। नेक्स्ट ये है गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द पब्लिक वर्डिक्ट, मीन्स जो भी पब्लिक का ओपिनियन होगा उस पब्लिक वर्डिक्ट को मानना जरूरी होगा। मीन्स लाइक दैट, मान लो कि बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, उसमें कांग्रेस पार्टी हार भी जाती है, तो उनका जो इलेक्शन के बाद जो स्पीच होगा वो यही होगा कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा किया, हमें कोई कमियां रहेगी इस वजह से हमें वोट नहीं मिल पाए, नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छा करेंगे, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं पब्लिक वर्डिक्ट का। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पब्लिक वर्डिक्ट का ऑलवेज क्या रिस्पेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉर और प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट्स, मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है और हमारे जो
जो भी एक्सटर्नल वॉर होते हैं उनमें भी यानी कि हमारी हेल्प करती है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट ऑलवेज क्या है, प्रोटेक्ट करेगी हमें और साथ में हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगी। तो ये ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी थी जिसमें पर पर्सन को ये लिबर्टी मिलती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। देखो प्लूरलिस्ट थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी जो डेफिनेशन है एक्सजेलस की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, इन लोगों ने इनके डेफिनेशन दी है। देखो प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है एक डेमोक्रेसी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी के अंदर क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल मेक्स द डिसीजन और इनके अंदर क्या है, इनके पर्सनल वैल्यूज को ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, पर्सनल वैल्यूज की बात करते हैं, मतलब इनको अदर्स पर्सन से कुछ नहीं लेना होता, ये ओनली पर्सनल थिंकिंग की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि एचएलएस की अर्नेस्ट बार्कर और मिस फॉलेट इनकी भी यही सोच है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब कि ये एक प्रकार से पर्सनल इश्यू होता है, मतलब पर्सनल बेस पर ये बात करते हैं। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पर्सनल थिंग्स की ऑलवेज बात होती है। नेक्स्ट है हमारी एलिटिस्ट थ्योरी एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो एलिटिस्ट थ्योरी देखो, एलिटिस्ट से मीन है एक अरिस्टोक्रेट सेक्स। अरिस्टोक्रेट से मीन क्या होता है, अरिस्टोक्रेट मीन एक रिच पर्सन के लिए अपने यूज करते हैं, जो रिच का लोग होते हैं, जैसे कि एलिट सेक्शन होता है एयरप्लेन के अंदर। तो एलिटिस्ट थ्योरी क्या है, देखो एलिटिस्ट थ्योरी की सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो रॉबर्ट मिकल ने अपनी एक बुक लिखी थी, पॉलिटिकल पार्टी बुक रिलेटेड टू रॉबर्ट मिकल ने यानी कि ये बुक लिखी थी। और एक मॉस्का जो थे उन्होंने एक रूलिंग क्लास नेम से बुक थी उनके अंदर अपने थॉट है वो दिए थी। तो इन्होंने ये बोला था कि जो एलिटिस्ट काइंड ऑफ थ्योरी है जिसके अंदर क्या एरिस्टोक्रेट क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो रिच कम्युनिटी है उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस एलिट क्लास के अंदर मिलती है। तो ये यानी कि थ्योरी है ये बताती है एलिट ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो थी। नेक्स्ट मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। देखो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो यानी कि मार्क्सिस्ट ने उसको दिया था, जिसमें कार्ल मार्क्स उसके बाद में हमारे थे स्टालिन, लेनिन, माओ त्से-तुंग, और फ्रेडरिक एंजल्स। इन लोगों ने मार्क्सिस्ट थ्योरी द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी दी थी, इन्होंने इसको पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहा है। पीपल्स डेमोक्रेसी मतलब ये लोगों की डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स कि जो ये डेमोक्रेसी है इसके अंदर लोगों को यानी कि रूल का यानी कि अधिकार मिलना चाहिए। इफ़ गवर्नमेंट डू नॉट डू द वर्क टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो वो मूवमेंट भी उसके लिए कर सकते हैं। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी इन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है। द लास्ट वन इज सोशलिस्ट थ्योरी एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट थ्योरी फिफ्थ नंबर सोशलिस्ट थ्योरी का मीन है
कि पर पर्सन को, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, किसी भी क्रीड से बिलोंग करे, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, कोई भी कलर हो, बर्थ प्लेस कहीं से भी हो, उसका किसी भी बर्थ प्लेस से वो बिलोंग करता हो, ही हैज द राइट टू डू एनीथिंग, ही हैज द राइट टू डू एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी कर सकता है अपने डिस्क्रिप्शन से अकॉर्डिंग, उसको यानी कि प्रायोरिटी मिलती है एक उसके अंदर उस स्टेज के अंदर, उसको यानी कि ये प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सके, यानी कि आगे यानी कि काम करे इसके लिए। और इसमें सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर क्या है कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस जो भी स्ट्रीम में वो जाना चाहे वो जा सकता है। तो ये थी हमारी 5 थ्योरी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो काइंड्स है वो पढ़ेंगे और क्या मेरिट है, डीमेरिट है और एसेंशियल कंडीशन क्या डेमोक्रेसी वो पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम एंड डू स्टडी हार्ड। लॉकडाउन का टाइम है तो आप बहुत ही अच्छी स्टडी करें। थैंक यू।